अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ अफशा और उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। जी जनाब, जैसे कि आपको पता है कि मेरे चैनल पे जो है मैं ईद वीक जो है वो कर रही हूँ, ईद की प्रेपरेशन कर रही हूँ, तो इसी हवाले से मैंने सोचा आज कि जो मैं बिरयानी मसाला यूज़ करती हूँ, जो मैं होममेड मैं ख़ुद अपने मसालों से बनाती हूँ, मैं बाज़ार के मसाले बस मसालों पे जो है रिलाई नहीं करती, अपने मसाले ख़ुद प्रिपेयर करती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए भी जो है बिरयानी मसाला बनाना सिखाऊँ उन्हें। तो आए चले पहले चल के देखते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स के क्या क्या हैं और फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, हमने जो तमाम इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती चलूँ कि क्या क्या हैं। ये मैंने लिया है, ये जो है 3 टेबलस्पून धनिया है, 2 टेबलस्पून जो है सौंफ है, 2 इसी तरह से 2 टेबलस्पून जो है सफ़ेद वाला ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून काला ज़ीरा है, या अगर आप चाहें तो सिर्फ सफ़ेद ज़ीरा ही 3 टेबलस्पून ले सकते हैं और इसको ओमिट कर सकते हैं, मगर हम बिरयानी का मसाला बना रहे हैं तो ऐड कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसी तरह 1 टेबलस्पून जो है ब्लैक पेपर है, होल ब्लैक पेपर जिसको हम कहते हैं, और इसी तरह दालचीनी है, दालचीनी भी हम इसको मेजरमेंट तो नहीं कर सकते टेबलस्पून से, बट एक इतना कि हमें अंदाज़ा हो कि हम अगर इसका पाउडर बनाए तो 2 टेबलस्पून हो। इसी तरह बड़ी इलायची है, 15-16 बड़ी इलायची है, बादियान के फूल हैं, ये देखें स्टार लीफ जिन्हें हम बोलते हैं, तो ये जो है ये तकरीबन ये भी 1 टेबलस्पून है, इसको क्या बोलते हैं जावित्री, आई गेस जावित्री है, सो ये जावित्री 1 टेबलस्पून लौंग, 1 टेबलस्पून जावित्री के साथ जायफल भी चाहिए होगी बट मेरे पास नहीं है फ्रेंड्स, तो कोई इशू नहीं है, हम जो है अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं, अगर आपके पास है जायफल जावित्री बोथ तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। उसके अलावा जो इन्ग्रीडियंट्स यूज़ होंगी उसमें है ये छोटी इलायची 15-20, ये भी इतना अराउंड 1 टेबलस्पून है, 10 से 12 जो है बेलीफ जो है तेज़पात, ठीक है। इसी तरह स्पाइसेस में मुझे रिक्वायर्ड होगा 1 टेबलस्पून जो है रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, और अगर आपके पास हो कश्मीरी लाल मिर्च तो हम कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड करेंगे, मेरे पास नहीं है मैं नहीं ऐड करूँगी, आपके पास अगर हो तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो आए चले जो है इसको बनाना किस तरह है वो देखते हैं कि किस तरह से प्रिपेयर होगा। पहले जो है हम इसको सिम फ्लेम पे जो है तमाम इंग्रेडिएंट्स को, ये जो मेरे पास ये वाले रखे हुए हैं इंग्रेडिएंट्स, इनको जो है हम ड्राई रोस्ट करेंगे, ठीक है, ड्राई रोस्ट करेंगे इन तमाम चीज़ों को और उसके बाद इसको ग्राइंड करेंगे। जी फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने बर्नर ऑन कर दिया है, ठीक है, और ये मैंने पैन रख दिया है इसके ऊपर, पैन को थोड़ा सा हल्का गर्म होने देंगे और फ्लेम भी चेक कर लीजिए कि फ्लेम की जो है हमें मिनिमम जो है इस पर रखना है। अब ये पैन थोड़ा सा जैसे ही गर्म हो जाएगा मैं इसमें तमाम ड्राई मसाले ऐड करूँगी और इनको ड्राई रोस्ट करूँगी स्लो फ्लेम पे, जैसे दम वाली आँच होती है ना, देखिए मैंने और भी फ्लेम कम कर दिया है और इन तमाम मसालों को जो है मैं इसके अंदर डाल के ड्राई रोस्ट करूँगी, एक्सेप्ट जायफल जावित्री, ठीक है, और वो मैं अलग से आपको बताती हूँ इसका, कि मैंने तमाम मसाले इसके अंदर ऐड कर दिए और मैं इनको अच्छे से ड्राई रोस्ट करूँगी। ये देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो है इनको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी हल्की फ्लेम पे, इसको तकरीबन 8 to 10 मिनट्स इनको मैंने रोस्ट करना है स्लो फ्लेम पे। जब इसमें से हल्की हल्की स्मेल आने लगेगी भुनने की तो फिर हम इसको इसका फ्लेम बंद करेंगे। इन द मेन वाइल जब तक हमारे मसाले ड्राई रोस्ट हो रहे हैं, देन इन द मीन वाइल मैं छोटी इलायची और जो है जायफल जावित्री, क्योंकि मेरे पास जायफल नहीं है, जो राउंड वाला होता आई गेस उसको जायफल ही बोलते हैं, तो वो राउंड वाला मेरे पास नहीं, अगर आपके पास हो तो वो ऐड कर लीजिएगा और
का ये छोटी इलायची, मैं चाहूँ तो इसको जो है इसके दाने अलग करके भी ऐड कर सकती हूँ, मगर मुझे ज़रा मसाले मुँह में आए वो अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इनको भी जो है ग्राइंड कर लूँगी। चूँकि ये थोड़े हार्ड होते हैं तो ये थोड़े मुश्किल से ग्राइंड होते हैं, सो मैं पहले जायफल, जावित्री और छोटी इलायची को ग्राइंड करूँगी ग्राइंडर जार में, जब तक जो है मेरा बाकी के मेरे मसाले ड्राई रोस्ट हो रहे हैं। तो आए चले पहले इसको ग्राइंड करते हैं। फ्रेंड्स देखिए ये मसाला हो गया है मेरा डन, मैं करूँगी फ्लेम ऑफ और इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी। जैसे ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, जायफल जावित्री की खुशबू, छोटी इलायची की खुशबू इतनी कोई ज़बरदस्त आ रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे किचन में अभी से बिरयानी बनना शुरू हो गई है। सो इसको थोड़ा सा कूल डाउन करते हैं फिर इसको ग्राइंड करेंगे। जी फ्रेंड्स, तो ये मसाला जो है ड्राई रोस्ट हो चुका है और ये ऑलमोस्ट ठंडा हो गया है, मैं इसको ग्राइंडर जार में डालूंगी और इसको ग्राइंड कर लूँगी। मैंने सारे मसाले एक साथ डाल दिए, अगर आपका मिक्सी जार छोटा है तो आप जो है हाफ हाफ करके उसको ग्राइंड कर लीजिएगा। जी फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं ये मसाला ऑलमोस्ट जो है पीस चुका है और बिल्कुल बारीक का मतलब हमें ऐसा चाहिए था। मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के प्लेट में, ठीक है ये जो है पीस के रेडी हो गया है। अब जो हमने वो रखा था तेज़पात, इसको हम छोटे छोटे पीसेस में तोड़ करके डालेंगे और थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे ताकि कुछ भी जो है ना हम मुँह में ना आए। बच्चे स्पेशली बहुत प्रॉब्लम करते हैं और मुझे कुछ भी जो है मसाले मुँह में आए वो अच्छा नहीं लगता, तो मैं बिरयानी में मोस्टली जो है सिर्फ चावलों को बॉईल करने के टाइम थोड़ा बहुत जो गरम मसाला वो भी प्रेफर करती हूँ कि मिनिमम लेस गरम मसाले ऐड करूँ। तो मैं ये तमाम चीज़ें जो है, और ये जो मैंने जायफल जावित्री जो है और छोटी इलायची पीसी थी ये भी इसी में ऐड कर रही हूँ, ये मैं इसके अंदर नहीं ऐड कर रही, बस इसके अंदर जो थोड़ा बहुत वो रह गया था मोटी मोटी वो, तो मैंने इसको भी इसमें ऐड कर दी और इसको हल्का सा अगेन ग्राइंड कर दिया। तो फाइनली ये मसाला जो है रेडी हो गया मेरा और मैं इसको एक बोल में ट्रांसफर करूंगी। तमाम मसाले जो है इसके अंदर ट्रांसफर करूंगी। तमाम मसाले को अच्छी तरह जो है इसमें से क्लीन अप करेंगे। ये रही जायफल जावित्री और जो है हरी इलायची, जो छोटी इलायची थी उसका मसाला, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब जनाब हम डालेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के हल्दी पाउडर, ठीक है ये डाला मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। इसी तरह लाल मिर्च 1 टेबल स्पून एंड हाफ टेबल स्पून, बने ना हाफ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो वो ऐड कर सकते हैं, स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से, यानी अगर आप लाल मिर्च ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और चाहें तो आप इसके अंदर सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, वाइट सॉल्ट जो आप लोग प्रीफर करते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैं ये जो बिरयानी मसाला बना रही हूँ इसको जो है अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी तरह इसको वेल मिक्स करेंगे। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है ना रेडीमेड। अगर जैसे हम इसमें वो डालते ना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर तो इसका कलर और निखर के आता, क्योंकि मेरे पास है नहीं तो वो मैं नहीं डाल सकती, तो अगर आपके पास है तो वो आप डाल लीजिएगा, नहीं है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, जस्ट कलर का थोड़ा सा फ़र्क आता है। हम चाहें तो इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं मगर मुझे वो मज़ा नहीं आता, तो ये बस ऐसे काफ़ी होता है। देखिए मैंने जो है इसको, जो मैंने आपको तेज़पात का बताया था वो मैंने बहुत ज़्यादा जो है टाइनी पीसेस में रखे हैं,
ग्राइंड करने के बावजूद ये इतने पीसेस में है तो इतना मोर देन इनफ होता है। सो ये मसाला हो गया है बिरयानी मसाला रेडी। अब इसको किसी भी एयर टाइट जार में भर के आप रख सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आप किसी भी ग्लास जार में जो है एयर टाइट ग्लास जार में जो है बंद करके इसको रख सकते हैं। और जो है इस मसाले का मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहें तो इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, और मगर ये सॉल्ट ऐड करने से ये होगा कि जब हम बिरयानी बनाने खड़े होंगे तो हम कोर्मे में नमक डालते ही फिर ऐसा ना हो कम ज़्यादा हो जाए। तो अगर आपको मुनासिब लगे तो आप इसमें जो है सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, मैं ऐड नहीं करूँगी, मैं वैसे ही रखूँगी। और बिरयानी मसाला जब आप कोर्मा बनाने लगे तब इसके अंदर कोर्मा बनाने के टाइम 2 टेबल स्पून ऐड कर दीजिएगा, मोर देन इनफ, ठीक है। और इसके अंदर आप चाहें तो आलू बुखारे भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैं ऐड नहीं करूँगी क्योंकि जो है आजकल बारिश का मौसम है तो ऐसा ना हो कि वो ख़राब हो जाए। तो मैं जस्ट इसको इसके अंदर फिल करके रख दूँगी, और मुझे अगर आलू बुखारे डालने होंगे तो मैं कुकिंग के टाइम पे ही इसके अंदर ऐड करूँगी। इस तरह से मैं ये मसाला कंप्लीट जो है इसके अंदर जार के अंदर भर के रख दूँगी। और ये बहुत मज़े का मसाला बनता है, आप यकीन कीजिए कि आप शान के मसाले, ये मसाले, वो मसाले, जो भी पैकेट के मसाले आते हैं घरों में यूज़ किए जाते हैं, आप इंशाल्लाह वो एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने मेरा बिरयानी मसाला बताया हुआ बिरयानी मसाला बनाया या नहीं। तो इस पे ये जनाब ऑलमोस्ट 1 बॉटल बन चुकी है मेरी, ये देख ले, ठीक है। इसको लेड लगा के रख दें और इस पर लेबलिंग कर दीजिए बिरयानी मसाला। तो ये आपके लिए ईद के लिए जो है बिरयानी मसाला प्रिपेयर हो गया, आपको रेडीमेड ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 टेबल स्पून यूज़ कीजिए और इन्जॉय कीजिए। सो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना भूलिएगा नहीं, और रखिए अपनी दुआ में याद, खुश रहिए, प्यार बांटिए, लोगों के लिए आसानी कीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।